everyone, my name is Navjot Kaur and you're watching Fit Tak. Today we're going to discuss one of the most famous workout which is in rage these days, which is the sculpted booty. Who doesn't like curves? So let's dive into the best workout for sculpting and making your body powerful as well as beautiful. चलिए शुरू करते हैं. सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज हमारे ग्लूट्स के लिए है हिप थ्रस्ट. आई एम टेलिंग यू, इफ यू डू दिस करेक्टली यू गोना गेट द मैक्सिमम रिजल्ट. सो लेट्स स्टार्ट. हिप थ्रस्ट करने के लिए कोई भी इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म आप अपने घर में सिलेक्ट कर सकते हैं. कैन बी अ चेयर, कैन बी अ सोफा, कैन बी अ बेड साइड. वो इतना ऊंचा होना चाहिए कि आपके नीज उस पर 90 डिग्री आ सकें आपकी बॉडी के साथ. देन लाई डाउन ऑन इट विद योर अपर बॉडी and create a 90 degree angle with your knees and your feet. That's how you start the exercise. Come into this position and then dip your hips down. Hips ko niche karne ke baad apne pelvic ko upar ki taraf push kijiye and squeeze your glutes inside. Your legs will still remain the same. That is how you do the hip thrust. Do 15 repetitions of this in 3 sets to feel the burn in your glutes. Just make sure that every time you come up, you are engaging your glutes to the maximum. This exercise is the best exercise for direct impact on your booty. चलिए दूसरे एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो है बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स. उसके लिए सेम प्लेटफॉर्म जो हमने हिप थ्रस्ट के लिए यूज़ किया था वही यूज़ होगा. आप अपना एक लेग, जो करंटली मेरा राइट लेग है, उसका फीट उस प्लेटफॉर्म के कॉर्नर पे प्लेस कीजिए और आपका अपोजिट लेग, जो करंटली लेफ्ट लेग है, उससे एक 90 डिग्री एंगल बनाइए. मूवमेंट ये है कि आपका जो राइट नी है वो फ्लोर की तरफ जाएगा और फिर ऊपर आएगा. ये है बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स. इसमें आपके ग्लूट्स, क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स तीनों मसल्स प्रॉपरली एंगेज होते हैं. सो द मूवमेंट इज दिस. वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट योर लेफ्ट नी विल नॉट मूव अहेड. इट विल स्टे इन लाइन विद योर लेफ्ट फुट. इसके 15 रेपिटेशंस 3 सेट्स में कीजिए और आप अपने लेग्स को बर्न करते हुए फील करेंगे. लेट्स मूव ऑन. तीसरी एक्सरसाइज करते हैं, जो है ब्रिजेस. मैं आपसे एक ऐसा वेरिएशन करवाऊंगी जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन एक्सट्रीमली इफेक्टिव है फॉर दैट स्कल्प्टेड बूटी. चलिए शुरू करते हैं. इसके लिए lie down on the floor. You can use a mat. मैं बिना mat के कर रही हूँ. Fold your knees और अपना एक leg straight कीजिए और दूसरे knee को अपनी body का support लेने दीजिए. अब आपका movement है, जो आपका leg straight है उसे ceiling की तरफ push कीजिए. ध्यान रखिए किस तरह मैं अपना complete back, अपने glutes और अपना कोर एंगेज करके पूरी बॉडी को सीलिंग की तरफ पुश कर रही हूँ. एंड देन ब्रिंग इट बैक. मूवमेंट में मेरा पूरा सपोर्ट मेरे सपोर्टिंग लेग पर है और मैं पूरा कोर एंगेज करके बॉडी को सीलिंग की तरफ पुश कर रही हूँ. This is the bridge exercise. इसे 15 repetitions में 3 sets में हर leg के साथ कीजिए. And I promise you, आपको amazing booty results मिलेंगे.
मूविंग ऑन, कर्टसी लंजेस. मैं इसे डांस मूव लंजेस कहती हूँ बिकॉज ये मूवमेंट इतनी क्यूट और इतनी फन लगती है एंड ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ रिजल्ट. तो इसे करने का तरीका आपको बताते हैं. इसमें स्ट्रेट खड़े होइए, अपना एक लेग दूसरे लेग के पीछे ले जाइए एंड देन बेंड लाइक दिस, बेंड बोथ योर नीज एंड देन कम बैक, रिपीट इट ऑन द अदर साइड. साथ में करते हैं. दिस इज योर कर्सी लंज. इसमें आपके ग्लूट्स और आपके क्वाड्स बहुत अच्छे से एंगेज होते हैं और साथ ही साथ आपके आउटर थाइज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है. इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं आपकी नीज आपके पैर से आगे नहीं जा रही और जो नी फ्लोर की तरफ जा रही है वो स्ट्रेट जा रही है. मेंटेन योर बैलेंस एंड डू 20 repetitions of this on each side in 3 sets. Moving on, अब बारी है साइड lunges, जिसे हम lateral lunges भी कहते हैं. उसके लिए stretch your legs, create enough gap between your legs and get your body balance right. एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस एक्सरसाइज को करते हुए आप आगे की तरफ बेंड नहीं करेंगे. जब आप अपना बॉडी बैलेंस मेंटेन कर लें उसके बाद आप अपनी बॉडी को एक नी की तरफ पुश करेंगे इस तरह और दूसरी लेग स्ट्रेच करेंगे इस तरह, देन कम बैक एंड रिपीट ऑन दी अदर साइड. आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना आपके इनर थाइज, आपके ग्लूट्स और आपकी लेग्स, स्पेशली हिप फ्लेक्सर्स बहुत अच्छा वर्क करेंगे. सो हाउ डू वी डू दिस? वी गो डाउन ऑन वन लेग क्रिएटिंग अ स्ट्रेच ऑन द अदर, कम बैक इन द सेंटर स्टिल एंगेजिंग अ कोर and repeat it on the other side. These are your side lunges. Iske 15 repetition 3 sets mein kijiye each side and you will feel amazing stretch in your glutes and especially your inner thighs with this particular exercise. अब बारी है लास्ट एक्सरसाइज, जो है क्लैम्पशेल एक्सरसाइज. चलिए करते हैं. इसके लिए एक साइड पर लेटिए जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके एल्बोज आपके शोल्डर के नीचे रहेंगे एंड अपनी लेग्स को 45 डिग्रीज पे टर्न कीजिए. आपके दोनों पैर जुड़े रहेंगे और अपने नीज को एक दूसरे से दूर कीजिए. ये है आपकी क्लैम्पशेल एक्सरसाइज. इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि हैं, जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं आपका कोर प्रॉपरली एंगेज रहेगा, आपकी हिप मसल्स प्रॉपरली एक्टिवेटेड रहेंगी. व्हेन यू आर कमिंग बैक यू आर रिलैक्सिंग योर लेग्स अगेन एंड व्हेन यू आर गोइंग आउट यू आर अगेन एंगेजिंग योर मसल्स कंप्लीटली वाइल एंगेजिंग योर कोर. और इस पूरी एक्सरसाइज में आपके पैर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे. सो दिस इज योर क्लैम्पशेल एक्सरसाइज. और इसके साथ कंप्लीट होता है हमारा बूटी वर्कआउट. प्लीज इसे ट्राई कीजिए एंड लेट अस नो हाउ यू लाइक इट.